वेलकम फ्रेंड्स तो आज हम नाइन्थ क्लास के एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री के बारे में डिस्कशन करेंगे लेकिन उससे पहले हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थ्योरम का नेम है रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम क्या है लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर यहाँ पे हमें दिया गया कि पी कोई भी एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन है या फिर वन से ग्रेटर है इसके अलावा यहाँ पे हमें एक नंबर दिया गया है ए इज़ ए रियल नंबर इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल ये सेंटेंस याद रखना हमें कि अगर हम किसी पोलिनोमियल्स को लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं लीनियर पोलिनोमियल मीन्स हो गया हाइएस्ट पावर या डिग्री उसकी वन होनी चाहिए वन डिग्री होगा तो ही हम ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं राइट इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए अगर हम इस पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर फाइंड होगा देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए दैट मीन्स अगर हम एक्स माइनस ए का पहले सोल्यूशन फाइन कर लेते हैं और उस सोल्यूशन की वैल्यू हम पोलिनोमियल में रखते हैं और पोलिनोमियल में रखने पर जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर बन जाता है राइट right? क्या दिया गया हमें पी ऑफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए ए की जो यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल दिया गया है उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद में हमें पोलिनोमियल में वो वैल्यू रखना है और उस वैल्यू को अगर हम पोलिनोमियल में रखते हैं तो जो पोलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वही रिमाइंडर होगा उस पोलिनोमियल का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं पहले उसके बाद में हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं फाइंड द रिमाइंडर वैन एक्स रेज टू फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन यहाँ पे देखो हमें पूछा गया है रिमाइंडर फाइन करो इस पॉलिनोमियल को अगर हम एक्स माइनस वन से डिवाइड करते एक्स माइनस वन इज ए लीनियर पोलिनोमियल बिकॉज द हाइस्ट पावर इज वन राइट तो फर्स्ट ऑफ बी विल सॉल्व दिस इक्वेशन तो एक्स माइनस वन को अगर हम सॉल्व करते हैं एक्स माइनस वन को सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा एक्स की वैल्यू वन एक्स की वैल्यू वन फाइन होगा और इस वन की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में रख देते हैं सो पी ऑफ ए इज वन रेज टू फोर वन रेज टू थ्री माइनस टू इन टू वन रेज टू टू प्लस वन प्लस वन वन रेज टू फोर दैट मीन्स वन एंड वन क्यूब इज वन माइनस टू वन ज टू वन प्लस वन सो वी विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेसन सो वी विल फाइन द वैल्यू ऑफ पी ऑफ वन इज़ टू अब पी ऑफ वन की जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ है वो टू फाइंड हुआ है दैट मीन्स ये टू ही रिमाइंडर होगा अगर हम एक्स माइनस वन से इस पोलिनोमल को डिवाइड करते हैं राइट right? अब हम अपना एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जो भी हमें दिया गया एक्सरसाइज सेम हमें रिमाइंडर uh, थ्योरम का यूज यहाँ पे हमें करना है इस थ्योरम uh, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन राइट चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्स क्यूब को एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को बोला गया एक्स प्लस वन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा तो पहले हम x प्लस वन को सॉल्व कर देते हैं x प्लस वन को सॉल्व करेंगे जिससे हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगा x का माइनस वन अब इस माइनस वन की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल uh, में रख देते हैं सो वह माइनस वन क्यूब प्लस थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन सो माइनस वन प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस वन सो वी विल सॉल्व दिस इक्वेसन द फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ माइनस वन इज ज़ीरो तो यहाँ पे हमें जो आंसर फाइंड हुआ पी ऑफ माइनस वन का वो आंसर हमें फाइंड हुआ है जीरो दैट मीन्स जीरो इज ए रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल इफ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इसी तरह से हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है और वैल्यू पुट करते जाना है तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया एक्स माइनस वन अपॉन टू तो एक्स माइनस वन अपॉन टू को पहले हम सॉल्व करते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा वन अपॉन टू वन अपॉन टू इन सभी वैल्यू रख देते हैं जहाँ पे एक्स है उसे रिप्लेस करके हम वन अपॉन टू रख देते हैं इसे रख दिया हमने यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें फाइंड हो गया वन अपॉन एट थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन टू प्लस वन नाउ वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर एट फोर टू एंड वन राइट सो यहाँ पर अगर हम फाइंड करते तो इसका जो एलसीएम होगा वो एट होगा तो इसे एलसीएम फाइंड कर एल्शियम के अकॉर्डिंग में हम सभी नंबर्स को बना देंगे जिससे हमें फाइंड हो जाएगा वन प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस एट और इन सब का अगर हम एडिशन करते हैं तो ट्वेंटी सेवन अपॉन एट सो ट्वेंटी सेवन अपॉन एट इज़ ए रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमेल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन अपॉन टू न थर्ड क्वेश्चन इज एक्स सो एक्स इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स अगर हम जीरो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और इसे सिम्प्लीफाई करते तो हमें आंसर वन फाइंड होता है दैट मीन्स वन इज ए रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इसी तरह से हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है x प्लस पाई अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू माइनस पाई फाइन होगा इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं और उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे हमें आंसर फाइन हो जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन और यही हमारा रिमाइंडर भी होगा इसी तरह से हम नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फाइव प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन टू बिकॉज फाइव को अगर हम इधर लाते तो नेगेटिव बन जाएगा और टू को उधर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इसे हम सिंपलीफाई करते हैं वैल्यू पुट करके और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो फाइन हो जाएगा आंसर माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन एट और ये माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन एट इज रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोम राइट right? तो हमें कोई भी अगर रिमाइंडर फाइन करने को बोला गया है तो हमें यहाँ पे सिर्फ पहला एक कंडीशन देखना है कि जो जिससे हमें डिवाइड करने को बोला गया है वो कंपलसरी लीनियर पोलिनोमियल ही होना चाहिए उसका पहाइएस्ट पावर वन ही होना चाहिए तो ही हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं अदरवाइज नहीं कर सकते इसी का यूज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया गया है कि फाइन द रिमाइंडर वैन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x minus a. So x minus a is a linear polynomial. So we will solve the x minus a. The find the value of x is a. Now put the value of x in polynomial. Right? And simplify it. So a cube minus a cube plus 6a minus a. And a cube and a cube are both are cancel out. So 6a minus a is 5a. Right? So 5a is a remainder of this polynomial if divided by x minus नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इज दिस एक्सरसाइज चेक वेदर थ्री सेवन प्लस थ्री एक्स इज ए फैक्टर्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो हम फैक्टर उसे कहते हैं जैसे मैं बोलूँ ट्वेल्व का फैक्टर क्या हो सकता है ट्वेल्व का फैक्टर थ्री होगा या नहीं तो हम क्या करते थ्री का टेबल काउंट करते हैं कि ट्वेल्व उसके टेबल में आता है या नहीं आता है. अगर आता है तो उसे हम फैक्टर कहते हैं अदरवाइज इज नॉट फैक्टर कहेंगे राइट right? तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है यानी अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा जीरो तो इसी तरह से अगर हमें हम यहाँ पे इसे चेक करते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं और इसकी वैल्यू हम इसे सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और आंसर जीरो आए दैट मीन्स वो फैक्टर होगा अदरवाइज़ नहीं होगा तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते पहले हम लेने इक्वेशन को सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स इजक्वल टू जीरो देन एक्स इजक्वल टू माइनस सेवन अपॉन थ्री और माइनस सेवन अपॉन थ्री ये जो वैल्यू है एक्स के पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं सो थ्री माइनस सेवन अपॉन थ्री रेज टू थ्री प्लस सेवन इंटू माइनस सेवन अपॉन थ्री और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइंड होगा माइनस फोर हंड्रेड नाइन्टी अपॉन नाइन और माइनस फोर हंड्रेड नाइन्टी अपॉन नाइन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पर ये रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है जैसे अगर मैं बोलूँ ट्वेल्व ट्वेल्व का फैक्टर फाइव है या नहीं तो अगर हम फाइव का टेबल काउंट करते तो ट्वेल्व इसमें नहीं आता है दैट मीन्स रिमाइंडर जीरो भी नहीं होगा तो यहाँ पर भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है थैंक यू